प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2023-24 हेतु आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को छत्तीसगढ़ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हो और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय का है। चलिएगा बिना किसी देरी के इसको समझते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है और आप सभी को इसका सोल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। टोटली आपसे 75 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। अब चलिएगा बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का है जो कि छत्तीसगढ़ की बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी किया गया है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। पहले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से प्यारे विद्यार्थियों आपको करेक्ट आंसर छांटने हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, देख सकते हो, द लिटल काइट सक्सीड बिकॉज ऑफ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा हिज एफोर्ड। तो क्या लिख देना आपको, हिज एफोर्ड इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा है, बींग कैन सो मिस्ड द टेस्ट, यानी कि इसने कौन सा टेस्ट मिस्ड कर दिया था, ये आपको बताना प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 में। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा आप दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका आंसर भी आपका बी नंबर का आ जाएगा, ये वाला। यहाँ से आप लोग देख लेंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता चुका हूँ। चलिएगा आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, बेड गाइस आर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो बेड गाइस यानी कि बुरे लड़के होते हैं वो क्या करते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिख लेना है, हू डिस्टर्ब्ड द बॉयस। तो देखिएगा तीसरे का उत्तर ये आ जाएगा, हू डिस्टर्ब्ड द बॉयस। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट करते चले जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को बता चुका हूँ। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जिसमें कि क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, इन पोएम अबाउट मी द पोएट हैज नेम्ड। तो देखिएगा ये जो पोएम है ना, इसमें कितने नेम हैं कवि के, ये आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोगों को देख लेना है और समझ लेना है। इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, संबा इमेजिन ओ प्लेस। तो देखिएगा 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका? तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इसका उत्तर होगा एडवेंचर। तो यहाँ से आप लोग एडवेंचर के ऊपर टिक लगा लें, ये इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका बी वाला भाग है। तो चलिएगा अब इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, माई फादर फोर ए ब्रिक्स वॉक। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है गोज। क्या लिखना है इस जगह पर? गोज लिखना है, क्योंकि गो तो आएगा नहीं, क्योंकि गो जो है ना किसके साथ में आता है, सिंगुलर प्यूरल के साथ में गो आता है। कम आने की बात इसमें कर नहीं रहा क्योंकि जा रहा है वॉक करने के लिए, तो इसलिए इसमें गो आएगा। अब उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, द ट्रेन इज हवर लेट। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस जगह पर हवर को अगर देखें तो हवर में एच साइलेंट होता है। अब अगर अवर को हिंदी में लिखे भी अपन तो इस तरह से लिखा जाएगा ये अवर, इसलिए इस जगह पर एन आएगा, क्योंकि जो यहाँ पर स्वर है तो इस वजह से यहाँ पर आपको एन लिखना है। चाहे आप लोग इससे ना समझे कि एच आया इसमें ये कैसे स्वर हुआ, क्योंकि अंग्रेजी में स्वर तो ए आई ओ यू ई होते हैं, मगर यहाँ पर एच साइलेंट है तो इसकी शुरुआत भी किसी स्वर से हो रही, इस वजह से यहाँ पर एन आएगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आई हैव नॉट रिसीव मैसेज। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस जगह पर आपको क्या करना है, आप सभी लोगों को पता है कि इस जगह पर क्या आएगा, ए नहीं आएगा, सम आएगा या नन आएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस जगह पर आपको क्या लिख लेना है, ए नहीं, इस जगह पर आपका ए नहीं आ जाएगा। उसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, 4वें नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, सी डाइड टाइफाइड। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 4वें नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, सी डाइड टाइफाइड। तो देखिएगा इस जगह पर आपको लिख देना ओप,
किससे मर गया, वो टाइफाइड से मर गया, तो इस जगह पर आपको ओप लिख देना है। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है लो एंड ऑर्डर कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट इन इलेक्शन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लो एंड ऑर्डर ज़रूरी है, तो देखिएगा इस जगह पर आपको आर लिखना है। क्या लिखना है? आर। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर जोड़ी का मिलान दिया गया है। जोड़ी मिलान आपको कैसे करना है? मैच द सेंटेंस इन कॉलम ए विद बी, आई हैव नेवर बीन एब्रोड। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी किनसे मिलेगी? एंड देन आई वेंट टू स्लीप या वेन द रेन स्टार्टेड बिफोर आई विजिट सिंगापुर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी आपको इससे मिलानी है बिफोर आई विजिट सिंगापुर। तो देखिएगा इसके बाद में आई हैड रीच्ड होम और वेन द रेन स्टार्टेड, तो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। द ट्रेन हैड लेफ्ट वेन, ये इसकी मिलेगी। एंड आई देन आई वेंट स्लीप बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो देखिएगा इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। और आई हैड कम्प्लीटेड माई वर्क वेन द अनाउंसमेंट वॉज मेड एंड देन आई वेंट टू स्लीप, तो देखिएगा इसका उत्तर इससे आ जाएगा यहाँ से। और दे हैज ऑलरेडी बोर्डेड द फ्लाइट वेन द अनाउंसमेंट वॉज मेड, तो देखिएगा इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को क्या करना है कि जोड़ी का मिलान पूरा कर लेना है। आप सभी को मैंने जोड़ी का मिलान यहाँ से अच्छे से बता दिया है, तो आप सभी लोग यहाँ से इस प्रकार से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें जिस प्रकार का कि मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं और उनके सोल्यूशन को देखते हैं। अभी तक मैं आपको यहाँ तक का सोल्यूशन बता चुका हूँ, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एक को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक के डी वाले भाग को। तो यहाँ से आप लोग देख लें, ये क्वेश्चन नंबर एक का डी वाला भाग लिखा है जिसमें कि आपको पैसेज दिया गया है और इस पैसेज में से फिर आपको क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द कंडीशन विच पास्ड ए प्रॉब्लम, तो देखिएगा ये देख लें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है, तीसरा ये लिखा है। तो आप लोगों को क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों कि आपको ये पैसेज को पढ़ना है, इस पैसेज में ही आपको इनके आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग ये करें, इस पैसेज को पढ़ें, पैसेज में ही आपको इनके आंसर्स दिए गए हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि पैसेज को पढ़ना और पैसेज में से इनके आंसर्स देखने हैं। तो देखिएगा आगे क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 ये लिखा है, 11 ये लिखा है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है और इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है और ये 14 लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। ए टू जेड क्वेश्चंस जिस प्रकार के मैंने आपको बताए हैं इसी प्रकार के पूछे जाएंगे और ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको ये दिए गए हैं, चूज द करेक्ट आंसर, द वर्ड क्यूरियस इन द पोएम मीन्स। तो देखिएगा क्यूरियस का मतलब क्या होता है आपको बताना है, नॉट नो, स्ट्रॉन्ग, ईजर टू नो और डिफ़िकल्ट। तो देखिएगा ईजर टू नो ये इसका मतलब होगा। और उसके बाद में द वर्ड यू इन पोएम रिफर्स टू, तो देखिएगा इसका मतलब क्या होता है। इस तरह से आपको प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इनको बताना है। तो आप सभी लोग इनको देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है और उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन लिखे हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दिया जाएगा, वंडर ऑफ साइंस का निबंध भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग यहाँ से इनको देख भी लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।